हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार अपनी बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया पर बेबाक पोस्ट लिखी है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है, शांता कुमार कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि देश की सभी पार्टियां राजनीति में अपराधीकरण को रोकना नहीं चाहती है। सर्वोच्च न्यायालय कई दिनों से ये कोशिश कर रहा है कि गंभीर अपराध के आरोपियों को चुनाव न लड़ने दिया जाए, सब पार्टियां सहमत हो और कानून बनाएं, लेकिन सभी पार्टियां ऐसा कानून नहीं बनाना चाहती। जिन नेताओं पर बलात्कार, हत्या और डकैती जैसे आरोप होते हैं, पार्टियां उनको भी टिकट देती है और चुनाव जीतकर वो विधानसभा और संसद में पहुंचते हैं। शांता कुमार कहते हैं कि इसी कारण देश की राजनीति में अपराधियों की संख्या बढ़ रही है और भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा। दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी जी कहा करते थे कि छल कपट और दल बदल से सरकारें तो बदल सकती है, लेकिन समाज बदलने के लिए मूल्य आधारित राजनीति होनी चाहिए। आज उनकी बात भाजपा भी नहीं मान रही। शांता कुमार ने कहा कि यही कारण है कि आज़ादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में शामिल है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के सबसे गरीब 120 देशों की सूची में नीचे 117 नंबर पर है। 19 करोड़ लोग लगभग भूखे पेट सोते हैं। आज भी अति गरीब घरों की बेटियां खरीदी और बेची जाती है। इस सब के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर राजनीति में अपराधीकरण समाप्त करने को राजनीतिक दल तैयार नहीं। आज की कठोर सच्चाई ये है कि पार्टियां वोट के लिए जी रही है, देश के लिए नहीं जी रही है। शांता कुमार कहते हैं कि आज महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय आ जाए तो सिर पटक कर और आंसू बहाकर कहीं भाग जाएंगे। मेरी पार्टी भी सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने को तैयार नहीं, ये सोचकर मुझे भी शर्म आ रही है।